एयरपोर्ट पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा, शदीद बदनज़मी, एयरपोर्ट का निज़ाम अमरीकी और नेटो अफवाज के कब्जे में। कमर्शियल परवाजों के बाद हर तरह का फजाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान में मुल्क छोड़ने के मुंतजर गैर मुल्की और आम शहरी शदीद परेशान। नाकिस सिक्योरिटी और इंतजाम न होने से PIA ने भी फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 7,000 खानदान काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो हर हाल में मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामिक कौंसिल के अजलास, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा खुशी है तालिबान आलमी इदारों के साथ एहतराम से पेश आए, अफगानिस्तान में तशद्दुद रुकवाया जाए। अफगान नुमाइंदे का मुतालिबा। इजलास में फिर पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक, आलमी बराबरी अमन के लिए किरदार अदा करें। का अफगानिस्तान में जंग के खात्मे आम मुआफी का ऐलान, तालिबान का असल इम्तहान अब शुरू हुआ। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर का बयान, तालिबान किसी और मुल्क के मामलों में मुदाखलत नहीं करेंगे, कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलों में मुदाखलत ना करे, तर्जुमान ने वादे कर दिया। किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करेगा, अफगान गिरोह यकीनी बनाए अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान हमसाए मुल्क में अमन चाहता है, पाकिस्तान चार दिहाइयों से अफगानिस्तान में जारी तनाजात से मुतासिर रहा। आलमी बरादरी पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ़ करे, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तआवुन और काम जारी रखेगा। कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास का एलानिया जारी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़ियादत का इजलास, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। अफगानिस्तान में जिंदगी मामूल पर आने लगी, शहन की जानिब से तालिबान का खैर मकदम। मगरबी ममालिक की खवातीन रिपोर्टर बुरका पहनकर रिपोर्टिंग करने लगी। अशरफ गनी का तैयारा ताजिकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, ना ही लैंड किया। ताजिक हुकूमत की तरदीद, ओमान की भी अशरफ गनी की अपने मुल्क में होने की तरदीद। साबिक अफगान सदर के उज़्बेकिस्तान जाने की तलाश, उज़्बेक फौज ने सरहदी खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान का फौजी तैयारा मार गिराया। वज़ीर आज़म से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी फौजी सरबराह ने वली अहद का पैगाम पहुँचाया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में एक ही निसाब पढ़ाने के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं माजी में दोहरे निसाब की वजह से मुआशरा तकसीम हुआ, यकसा निसाब तालीम न लाकर बड़ी नाइंसाफी की गई। हाल ही में सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले रुकने सूबाई असम्बली चौधरी अहसन सलीम बरियार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुआवने खुसूसी मुकर्रर, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में जिम्मेदारियां निभाएंगे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से जर्मन सफीर बरहार्ड शेलिक हैग की लाहौर में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी तआवुन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान ओहदे से मुस्तफी, वज़ीर आला पंजाब को इस्तीफा भिजवा दिया। SM इमरान ने कब्जा माफिया से 3 वर्ष में अरबों रुपए की जमीन वागजात कराई। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट कमेटी ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने वजारत इतलात के जारी करदा मीटिंग मिनट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। हुकूमती मीट से यह तासुर दिया जाता जैसे किसी को PMDA पर तहफ़ुज़ात नहीं, वजारत इतलात इस किस्म की हरकतों को फौरी तौर पर रोके। सिविल सोसाइटी, वकला, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से मिलकर मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। APNS, PDA, CPNA, PFUJ और AMD का मुश्तरका ऐलानिया। गाड़ी की नंबर प्लेट फीस में 300 रुपये इजाफा कर दिया गया, सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट फीस 400 रुपये बढ़ा दी गई, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की फीस 250 रुपये ज्यादा कर दी गई। महकमा एक्साइज पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कबल अज़ वक़्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया, असेंबली तहलील, मुल्क भर में आम इंतखाबात 20 सितंबर को होंगे।